महाराष्ट्र के यवतमाल में रहने वाले 24 साल के एक शख्स पिछले 2 सालों से हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहा था, लेकिन टेस्ट उड़ान के दौरान ही उसका मुन्ना हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख यवतमाल जिले के फुलसावंगी गाँव के रहने वाला था। उसने पढ़ाई सिर्फ 8वीं क्लास तक ही की थी, पर हौसला हेलीकॉप्टर बनाने का पाल रखा था। पेशे से मैकेनिक मुन्ना शेख ने पुर्जा जोड़ कर अपने गैरेज में ही हेलीकॉप्टर बना डाला। शेख इस्माइल ने इसका नाम मुन्ना हेलीकॉप्टर रखा था। मुन्ना शेख के परिवार में एक भाई और एक बहन है। बड़ा भाई मुसवीर गैस वेल्डर है और पिता घर पर ही रहते हैं। इस्माइल की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। वो छोटे मोटे मैकेनिक का काम करता था, जैसे कूलर, वॉशिंग मशीन को ठीक करना इत्यादि। इसी बीच उसके मन में हेलीकॉप्टर बनाने का ख्याल आया और वह इस काम में जुट गया। उसकी मेहनत रंग भी लाई और हेलीकॉप्टर तैयार हो गया। 2 साल के अथक प्रयास के बाद उसका सपना साकार ही होने वाला था। 15 अगस्त को इस्माइल के बनाए हेलीकॉप्टर की लॉन्चिंग थी। इससे पहले वह टेस्ट उड़ान लेना चाह रहा था। इंजन जमीन पर शुरू हुआ, 750 एम्पियर पर चल रहा था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर का पिछला पंखा टूटकर मुख्य पंखे से टकराया और हेलीकॉप्टर को जोर से झटका लगा। इसी दौरान हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश कर रहे इस्माइल का सिर कई जगहों पर टकराया और चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। सभी लोग उससे प्यार से रेंचो बुलाते थे। मुन्ना शेख के बनाए हुए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए बेंगलोर से एक्सपर्ट की टीम भी आने वाली थी। इसी उत्साह में उसने एक दिन पहले रात मंगलवार 10/8/2021 को हेलीकॉप्टर की टेस्ट उड़ान की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हादसा हो गया और उसकी जान चली गई।